ये सिक्योरिटी नंबर प्लेट दिखा रखी है, ये नंबर प्लेट अगर आपके ऑटो में नहीं है तो 5 नंबर वाले चलान कर देते। दिल्ली संभालने, दिल्ली अगर संभालती है ठीक है, दिल्ली को त्याग पत्र दे दें। जो गाड़ी 4 लाख पहले 1.5 लाख रुपए बिकती थी, अब ये गाड़ी 6.5 लाख रुपए बिक रही है। नुकसान है तो कुछ फायदे भी हैं, केवल पब्लिक का वोट पाने के लिए, सिंपैथी पाने के लिए और कुछ भी। लॉकडाउन के समय भी 5-5 हजार की 2 बार राशियां डाली गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं अंजलि राठौर। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर, जहां पर आज बीजेपी के 8 विधायक 5 ऑटो के साथ यहां पर पधारे थे और कहा था कि अरविंद केजरीवाल जी को भेंट स्वरूप ये ऑटो देने हैं, ताकि जिस तरीके से गुजरात में ऑटो में बैठ कर ऑटो वाले के घर पर जाकर उन्होंने खाना खाया था, उसी तरीके से बीजेपी विधायक चाहते हैं कि दिल्ली में भी उसी तरह से ऑटो की सवारी करें मुख्यमंत्री और साथ ही साथ उनके साथ मुलाकात करें। अब देखना यह होगा कि क्या ये मुलाकात रंग लाएगी, क्या अरविंद केजरीवाल उनके ऑटो की सवारी करेंगे, क्या उनकी भेंट को स्वीकार करेंगे। चलिए चलते हैं और इन ऑटो वालों से ही बातचीत करते हैं। आज यहाँ पर आप लोग आए हैं, ऑटो 5 ऑटो यहाँ पर लाइन से लगे हुए हैं, और कितनी देर हो गई आपको यहाँ? करीबन हमें यहाँ पर हो गया 2 घंटे हो गए। तो क्या अरविंद केजरीवाल आपका न्योता यहाँ पर लेने के लिए, आपसे मिलने के लिए आए हैं? हम ये दिखाने के लिए आए थे कि हमारे ऑटो वालों की वजह से ही दिल्ली के चीफ मिनिस्टर बने थे, और हमारे ऑटो वालों को उन्होंने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए हमारे। अभी आप कोई ऑटो का, आप किसी भी ड्राइवर से आप अथॉरिटी में जाके पूछेंगे कोई काम होता है नहीं होता, बिना घुस के कोई काम नहीं होता। तो हम वो चीज़ दिखाना चाहते हैं कि हमने देखा, अभी हमने न्यूज़ में देखा 2-3 दिन पहले कि वो गुजरात में जा रहे हैं और ऑटो में बैठ के उस एक ऑटो ड्राइवर के घर में खाना खा रहे हैं। उनको बता रहे हैं कि जो हमारी सरकार यहाँ जीत जाती है, हमारी पार्टी यहाँ जीत जाती है, तो हम ऑटो वालों के सब वादे पूरे कर देंगे। मगर हम ऑटो वाले ज़मीनी हकीकत से हमारी भावनाओं से खेल रहे हैं, क्यों जो दिल्ली में ऐसे ही छोड़ के चले गए। हमारा कोई भी काम ऑटो वालों का बिना घुस के नहीं होता है। कितना विकास किया है ऑटो वालों का अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी ने? पहले ऑटो वालों के साथ थे, उन्होंने देखा 2-4 साल तक वो साथ रहे, हर महीने वो मीटिंग भी करते थे, 6 मंथ में वो मीटिंग भी लेते थे, उनको सभी को कहते थे, जो भी ऑफिसर थे उनको कभी ऑटो वालों पे ज़्यादा सख्ती ना की जाए। मगर आज हम देख रहे हैं कि 5 नंबर वाले, अभी आपको दिखाता हूँ मैं, एक नंबर प्लेट है जो उसका, ये नंबर प्लेट है, अगर आप 5 नंबर वालों को आप ये नंबर प्लेट, ये सिक्योरिटी नंबर प्लेट दिखा रखी है, ये नंबर प्लेट अगर आपके ऑटो में नहीं है तो 5 नंबर वाले चलान कर देते हैं इस प्लेट का। जब ये प्लेट हमारी यहाँ एक्सपर्ट लगी हुई है, ये सब लगा हुआ है, तो उस पर चलान नहीं होता, वो पीछे प्लेट लगी हुई है उस पर भी चलान नहीं होता, ये जो स्टिकर लगा हुआ है हमारा, इस स्टिकर के ऊपर वो चलान कर देते हैं हमारा 5 नंबर वाले चलान। यानी कि जो ऑटो वालों का विकास यहाँ पर कहा गया था, जो वादे यहाँ पर बोले गए थे कि ऑटो वालों का विकास करेंगे, वो विकास कितनी हद तक आम आदमी पार्टी कर पाई? देखिए, जो ऑटो वालों का विकास है वो तो शायद मैं कह सकता हूँ 5% ही विकास जो इन्होंने शुरू में कराया था, कि जैसे हम फिटनेस मीटर को रिन्यूअल कराने के लिए जाते थे तो उसकी ट्राई होती थी नजफगढ़ साइड में, वो बंद हो गई है। वो मीटर की जो ट्राई होती थी वो 15-20-25 किलोमीटर जाना पड़ता था, वो बंद हो गया है। बाकी और इन्होंने जो कुछ वादे और थे वो इन्होंने पूरे नहीं किए, 1-2 वादा इन्होंने पूरा किया, बाकी तो सब इन्होंने ऐसे ही छोड़ के चले गए। तो वहाँ जाकर कहा जा रहा है गुजरात में और अन्य राज्यों में जो चुनाव लड़ने की तैयारी की जा रही है, वहाँ पर कहा जा रहा है कि दिल्ली में और पंजाब में हमने बहुत अच्छी स्थिति पैदा कर दी है, विकास हमने किया है, तो कितना विकास यहाँ पर किया गया है, क्या वहाँ पर सरकार बना पाएंगे? नहीं, ऑटो वालों के जो वो बोलते हैं ऑटो वालों के लिए इन्होंने विकास किया, वो तो कुछ नहीं किया इन्होंने ऑटो वालों के लिए। ऑटो वालों के लिए तो मैं नहीं कह सकता विकास किया इन्होंने, और कहाँ किया है, बिजली पानी यही जो इन्होंने किया है, अब वो उसमें भी सब्सिडी ख़त्म कर दी है इन्होंने, जो बिजली पानी की बोल रहे थे कि अब जो फार्म भरेगा उसी को सब्सिडी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। अब ये पहले जो कह रहे थे वो वादे ख़त्म हो गए सब, अब इन्होंने अपनी सरकार बन चुकी है, अब यहाँ पे अब इनका पैर जम चुका है, अब इन्होंने सोचा कि हम गुजरात की तरफ निकल लेते हैं, अब गुजरात में हम किंग बन जाएंगे, वहाँ पर हम वहाँ पर गुजरात जीत लेंगे, दिल्ली के एग्जाम्पल दिखा दिखा करके।
क्या लगता है कि वहाँ पर जो है गुजरात में दिल्ली और पंजाब के तर्ज पर जो चुनाव लड़ने की तैयारी की जा रही है, वहाँ पर सरकार बनाने में कामयाब हो पाएंगी? देखिए, वहाँ तो आम जनता को ये तो कहना बड़ा मुश्किल है कि वो किस करवट ऊँट बैठता है, वो तो इलेक्शन होने पे ही पता चलेगा। बाकी जोर तो ये पूरे लगा रहे हैं अपने, क्योंकि हम एग्जांपल दे दे करके दिल्ली का जो विकास किया है, दिल्ली का ये किया है, दिल्ली का ऑटो वालों को ये किया है, हमने बिजली पानी का ये कर दिया, मगर मेरे हिसाब से तो वहाँ मुश्किल है। और भी ऑटो वाले हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। आज आप सीएम हाउस के बाहर खड़े हैं, सीएम का इंतज़ार कर रहे हैं, कितनी देर हो गई और यहाँ पर क्यों आ पाए? मुझे तकरीबन 2 घंटे हो गए यहाँ पे। मेरा प्रोटेस्ट, ये प्रोटेस्ट समझ लो आप, दिखाना था सीएम साहब को कि जब फर्स्ट टाइम ये सीएम बने थे तो ऑटो वालों ने इनको पूरा सहयोग किया था, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रचार किया था, कहीं कुछ कोई चार्ज नहीं लिया था और पूरे लगभग 3 साल लगातार रेगुलर इनका प्रचार किया था। लेकिन आज ऑटो वालों को भूल गए, भूल गए जी, बिल्कुल कोई जाकर कह रहे हैं कि वहाँ पर विकास किया है और भी आगे विकास करेंगे और गुजरात में भी ऑटो वालों का विकास किया जाएगा जैसे दिल्ली में विकास हुआ। ये केवल चुनावी मुद्दा है, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना, वो बना रहे हैं। हम जानते हैं यहाँ पे हम लोग कितने सुखी हैं, ये हम जानते हैं। जब ये पहले आए थे, मैं इनको ऑटो वालों को लाइफ इंश्योरेंस कराएंगे, घर देंगे, इनके बच्चों को अच्छी शिक्षा कराएंगे, ये देंगे वो देंगे। दिल्ली में किसी एक ऑटो वालों को घर मिलाओ बता दो, किसी एक ऑटो वालों को लाइफ इंश्योरेंस दियो, किसी एक ऑटो वालों को अच्छे स्कूल में उन्होंने पढ़वाया हो, किसी का आप बता दो उदाहरण। बल्कि जो गाड़ी 4 लाख पहले 1.5 लाख रुपये बिकती थी, अब ये गाड़ी 6.5 लाख रुपये बिक रही है। आज की तारीख में नई गाड़ी, फ्रेश परमिट बंद है, पुरानी रीसेल वाली होती रहती है। उनके गैस पहले 30 रुपये 32 रुपये थी, आज 78 रुपये गैस है, किराया हमारा वही चल रहा है। साथ साथ में ओला बाइक इन्होंने इशू कर दी, सिंगल आदमी उस पर निकला, लेडीज़ फ्री कर दी बस में, और आपका ये ओला उबर चालू कर दी, वो उससे भी सस्ती चलती है। तो हम लोग जाएँ कहाँ, हमारे पास ऑटो बैठती है भाई, पूरे दिन में 700-800 रुपये काम होता है, 300 रुपये गैस हो गई, 300 रुपये मालिक के निकल गए, 200-300 रुपये हम घर चला सकते हैं, अपने बच्चों को रख सकते हैं दिल्ली में। आप कुछ सोचो, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा इनकम सोर्स है नहीं हमारा, तो केवल ये मेन मांग यही है जी, जो आपने ऑटो वालों को सुविधा देने के लिए कहा था और जो भी आपने वादे किए थे उनको आप पूरा करिए। ये जैसे दिल्ली के ऑटो वालों को बेवकूफ़ बना दिया ना, ऐसे आप हर जगह मत लोगों को बेवकूफ़ बनाओ। गुजरात में कहा जा रहा है कि ऑटो वालों का विकास हमने दिल्ली और पंजाब में किया है, ऐसा ही विकास गुजरात में भी किया जाए? अभी वो दिखाए सही हमें, मैं आपको लाइसेंस दिखा दूँ, मैं 30 साल पुराना ड्राइवर हूँ, सबसे ज़्यादा मुर्गी उन्होंने बनाया, आज तक इतना किसी ने नहीं बनाया। पहले आदमी ये तो नहीं कहता मैंने एक कर दिया, ये तो झूठ बोल रहा, करा क्या ये बता दो आप जी। किसी एक ऑटो वाले को बता दो, किसी अच्छे स्कूल में बच्चे का एडमिशन करवाया, किसी अच्छे स्कूल में वो करवाया आपने, किसी घर दिलाया किसी ऑटो वाले को? आज यहाँ पर आप आए हैं और सीएम से गुजारिश कर रहे हैं, न्योता दे रहे हैं कि उनके ऑटो में, आपके ऑटो में आकर वो बैठें और सवारी करें, टैक्स से टैक्स बचेगा? नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ जी, आओ जी, फ्री ऑफ कॉस्ट है सेवा, हमने जैसे आपके पहले फ्री सेवा की थी अब भी करेंगे, हम तो तैयार आपके इसके लिए भाई, वेलकम है आपका, खड़े हैं आपके इंतजार कर। जो ऑटो वाले के घर विदाउट प्रोटोकॉल के साथ और प्रोटोकॉल तोड़ के बिना सिक्योरिटी के वहाँ पर जाना, ऑटो में बैठना, क्या लगता है किस तरीके का राजनीतिक स्टंट किया है या फिर सच में भावना से जुड़े हुए हैं ऑटो? ये सच्चाई आपको भी पता, हमको भी, सबको जानते हैं, ये सब पॉलिटिकल एजेंडा है, केवल पब्लिक का वोट पाने के लिए, सिंपैथी पाने के लिए और कुछ भी नहीं है। आप भी अच्छी तरह जानते हैं, हम भी जानते हैं, जितने ये पॉलिटिकल लोग ये करते हैं, ये सब पब्लिक को सिंपैथी पाने के लिए, वोट पाने के लिए। देखो जी, हम इतने हमदर्द हैं, लेकिन कोई हमदर्दी किया क्या मुझे ये तो बता दो, आज आपने क्या किया हम लोगों के साथ? तो हमारे साथ जब नहीं किया तो मैं कैसे मान लूँ आपको कि आप सबके साथ करोगे? ठीक है, तो ये सब बेवकूफ़ बनाते हैं पब्लिक को, कुछ नहीं। आज यहाँ पर 8 विधायक बीजेपी के आपके साथ आए थे और ऑटो भेंट करने की बात कही थी, क्या यहाँ पर हुआ, क्या पूरी मामला है बताएं? मैडम, जो भ्रष्टाचार उस चक्कर में है, जो गुजरात में चल गए, दिल्ली छोड़ गए, उस चक्कर में ये मीटिंग हुई है यहाँ पे, जो कि भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो रहा, दिल्ली को जीत लिया सोचते हैं गुजरात बन जाऊँ, पंजाब चले जाऊँ, मैं सीएम से पीएम बन जाऊँ, ऐसा सोचना केजरीवाल जी बंद कर दें, दिल्ली संभाल लें, दिल्ली अगर संभालती है ठीक है, दिल्ली को त्याग पत्र दे दें, ऐसी बात हमारी मांग है। लेकिन गुजरात जाकर ऑटो में सवारी करके बिना सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल्स को तोड़ कर वहाँ जाना ऑटो में बैठ कर, तो क्या यहाँ पर आपका ऑटो की सवारी स्वीकार करी है उन्होंने या नहीं? हमारी गाड़ी वहाँ तक बैठी नहीं, हम तो इंतजार करते हैं गाड़ी हमारी कब आके बैठे, हमको, हम भी अपने घर ले जाएँ, उनको खाना खिलाएँ, दिल्ली वहाँ आज तक ऐसा कुछ नहीं किया, बाहर जाके दिखाते हैं, हम नौटंकी करते हैं बाहर जाके, मैं ऑटो में बैठूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, हमारे दिल्ली में बैठे आज तक, दिल्ली में क्यों नहीं बैठते ऑटो में आके? तो क्या गुजरात में इसे राजनीतिक स्टंट माना जा सकता है? बिल्कुल राजनीतिक स्टंट में कुछ नहीं है। और भी यहाँ पर ऑटो वाले यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, क्या पूरा मामला है, क्यों आप यहाँ पर आए थे, आज अरविंद केजरीवाल जी के घर के बाहर खड़े हैं?
हम लोग इसलिए आए थे जी, सीएम साहब गुजरात में जाके ऑटो में घूम रहे हैं कि बात कर रहे हैं, तो हम दिल्ली में, हमारे सीएम है वो यहाँ के, तो हमारे साथ घूमें, हमारे साथ लंच करें, बाहर तो बाद में करें ना, पहले जहाँ हैं वहाँ तो करें जी। तो जो अगर वो हमारे साथ कर लेते हैं तो इसका मतलब वो जो कह रहे हैं सही है, अगर नहीं करते तो इसका मतलब दिखावा है। यानी कि आप न्योता देने आए थे कि अपने घर ले जाकर अरविंद केजरीवाल को अपने खाने पर अपने न्योता देने की जरूरत नहीं है जी, मैं तो साथ लंच लेके आया हूँ, मैं तो कह रहा हूँ यहीं मेरे साथ बैठ के खा लें, तो जो दुनिया को दिखा रहे हैं जी। तो आप यहाँ उसको सिद्ध करिए ना जी। अच्छा ये बताइए, गुजरात में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ऑटो में सवारी करते हैं, तो आप यहाँ पर एक घंटे से खड़े हैं, तो क्या वो यहाँ पर आए, आपकी सवारी स्वीकार करी उन्होंने? नहीं जी, हम लोग यहाँ 10:30 बजे से खड़े हैं और काफ़ी 5 ऑटो थे जी। लेकिन ना तो सीएम साहब आए, ना ही उनका कोई कार्यकर्ता या कर्मचारी, कोई भी ऐसा लोग, ऐसा व्यक्ति नहीं आया जिन्होंने ये भी पूछा हो कि आप पानी पी लो जी। या आप लोग यहाँ खड़े हो, वो नहीं जाएंगे, आप लोग चले जाइए, ऐसी किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं की। कोई प्रतिक्रिया नहीं। तो आपके साथ यहाँ पर बीजेपी के 8 विधायक मौजूद थे जी। जी, क्या उनका कहना था? उनका यही कहना था, देख लो आप लोग, आप लोगों ने इनका सपोर्ट किया, अब अभी देख लो ये आपके साथ नहीं है जी। तो अब इसमें अगर सीएम साहब आ जाते तो सीएम साहब की जीत होती कि हम इनके साथ हैं जी। अब इसमें सीएम साहब नहीं आए तो बीजेपी विधायकों की जीत है कि भाई देख लो। अच्छा ये बताइए कि दिल्ली में ऑटो वालों का कितना विकास आम आदमी पार्टी ने किया? विकास तो जैसा सबका चलता रहा जी वैसे ही है, ऐसी कोई ऐसा कुछ नहीं कहूँगा मैं कि ये तो सब कहने की बातें। फिटनेस जी जैसे पहले 1 साल की होती थी, 2 साल की हो गई है, उससे भी ऑटो वालों को लाभ है। और लॉकडाउन के समय भी 5,000 की 2 बार राशियाँ डाली गई, ऐसा मेरे को लगभग, मैं 20 साल से ऑटो चला रहा हूँ, ऐसा कभी नहीं हुआ जी। दूसरी बात, और जैसे जो लाइसेंस का रिन्यूअल होता है, वो कमर्शियल लाइसेंस का रिन्यूअल 3 साल के लिए होता है। अभी एज के हिसाब से, जैसे मेरी एज 40 है, 40 प्लस है, तो मेरा 9 साल के लिए लाइसेंस रिन्यू हुआ, यानी जो काम मुझे हर 3 साल के बाद करना पड़ता था वो अब मुझे 9 साल के बाद करना, तो यानी 2 बार का पैसा मेरा बचा। ऐसा नहीं है, कुछ नुकसान है तो कुछ फायदे भी हैं। तो क्या लगता है कि गुजरात में जो निचले तबके का जो इंसान है, या फिर कहें मिडिल क्लास फैमिली है, उनको उनके वोट बैंक को अरविंद केजरीवाल अपनी ओर करना चाह रहे हैं, और क्या करने में कामयाब हो पाएंगे? देखिए मैडम, ऑटो चालक एक ऐसा तबका है जिसको ज़्यादा राजनीतिक या कोई ऐसा ज्ञान नहीं होता, वो सिर्फ रोज़मर्रा उसका एक दैनिक दिनचर्या है, सुबह जाना है, शाम को कमा के वापस आ जाना है। जिसने उसको 2 मीठी बातें कर दी, या जिस मान लीजिए किसी सवारी ने जहाँ के 100 बनते हैं 120 दे दिए, तो सारा दिन उसके गुणगान गाता रहता है। तो हर आदमी ये चाहता है कि ऐसे लोगों को ही पकड़ा जाए और ऐसे लोगों को मोहरा बना के यूज किया जाए। क्या लगता है कि गुजरात में सरकार बना पाएंगे आम आदमी पार्टी वाले? अब ये तो गुजरात के लोग ही जान पाए, अब वो तो ये देख के यहाँ से आप वो कंपैरिजन करें कि भाई दिल्ली के ऑटो वाले गए तो वो लोग नहीं आए जी। अब उनको क्या करना है तो वही लोग समझ पाएंगे ना। अब आपकी सवारी, आपका न्योता तो उन्होंने स्वीकारा नहीं है, तो आगे आप क्या करेंगे, क्या सोचेंगे आम आदमी पार्टी? अब हम तो इसीलिए आए थे ना कि अगर वो आते तो हम उनके साथ दिल से जुड़ते। अब तो बीजेपी वाले जो कह रहे हैं उनकी बात सच हो रही है ना, यही तो साबित किया उन्होंने। अगर वो आ जाते हमारे साथ, भले ही ना जाते, हमारे पास आ जाते, या ये कहते कि ठीक है आप हमारे साथ चलो, एक ही दिन चले जाते जी। तो ये बीजेपी के जो लोग विधायक थे, 8 या जो भी लोग थे यहाँ पे, तो उनकी बात सच नहीं मानी जाती, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि बीजेपी सच कह रही है। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से ऑटो वालों ने अपनी जो बात है यहाँ रखी, और अरविंद केजरीवाल इतने घंटों के इंतज़ार के बाद भी ऑटो वालों से मुलाकात करने नहीं आए हैं। अब देखना ये होगा कि क्या ये गुजरात में जिस तरीके से सरकार बनाने की कोशिश की जा रही है और अपना चुनावी प्रचार किया जा रहा है, ये कितना रंग लाएगा, और ऑटो में बैठ कर उनकी, ऑटो वाले के घर जाकर खाना खाने की कोशिश उनके चुनावी प्रचार में कितना सहयोग करेगी। बने रहिएगा द न्यूज़ 15 के साथ, मैं आती रहूँगी, अंजलि राठौर कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ, दिल्ली।